बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम थ्योरम करेंगे। थ्योरम है हमारे पास, इफ एफ इज़ ए क्लोज सुपरसेट ऑफ एनी सेट ए, देन ड्राइव सेट ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, पहले इसको प्रूव करेंगे फिर एग्जांपल करेंगे। तो प्रूव है हमारा, ठीक है, ये हमें बताया गया है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ एफ है और एफ जो है वो ए का क्लोज सुपरसेट है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ए सबसेट हो एफ का तो ए डैश बी सबसेट होगा एफ डैश का। ठीक है, यानी ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ एफ, लेकिन ड्राइव सेट ऑफ एफ वो सबसेट होता है एफ का। ठीक है, एफ डैश हमारे पास एक क्लोज सेट होगा। ठीक है, तो अगर हम ये फर्स्ट और सेकंड को देखें ज़रा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए डैश सबसेट है एफ डैश का और एफ डैश सबसेट किसका है, एफ का। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर ए सबसेट हो बी के और बी का और बी सबसेट हो सी का, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सबसेट है सी का। ठीक है, इसी तरह इसको लिखेंगे, ये ए डैश सबसेट किसका हो जाएगा, एफ का। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, बिल्कुल आसान प्रूव है। अब हम इसके एग्जांपल करेंगे जिसमें हम कोई ये सेट लेंगे, ठीक है, जो कि सबसेट होगा किसी क्लोज सुपर सेट का, और फिर ये प्रूव करेंगे ए डैश इज अ सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास सेट एक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, टॉ है जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हम इसके पहले हमें जो एफ लेना है वो एक क्लोज सेट लेना है। तो पहले हम इसका क्लोज सेट्स फाइंड कर लेते हैं। क्लोज सेट्स फाइंड करने के लिए एक्स में से टा के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। एक्स माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई। ठीक है, अब एक्स में से फाई निकाला तो एक्स, एक्स में से ये निकाला तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी सी डी ई। एक्स में से ए बी निकाला तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी डी ई। अब x में से ए सी डी निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा, बी ई। अब x में से ए बी सी डी निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा, ई। और x में से ए बी ई निकाला तो हमारे पास क्या बनेगा, सी डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गए हैं, ये हमारे पास क्लोज सेट्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं कोई f लेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे f लेट कर लेता हूँ, f इज इक्वल टू बी सी डी ई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लोज सेट है। ठीक है, ए हमने एक ऐसा सेट लेना है जो कि सबसेट हो एफ का। ठीक है, इस एफ का, तो ए मैं ले लेता हूँ बी। ठीक है, तो ए मैंने क्या ले लिया, बी। अब ये आपके सामने है कि ए सबसेट है एफ का। ठीक है, और एफ ए का क्या है, एफ ए का क्लोज्ड सुपरसेट है। ठीक है, अब मैंने ये प्रूव करना है कि ए डैश सबसेट होता है एफ का। ठीक है, यानी ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा एफ का। तो ड्राइव सेट निकालने के लिए हमें पहले लिमिट पॉइंट निकालने पड़ेंगे। लिमिट पॉइंट की जो कलेक्शन होगी वो ड्राइव सेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, कोई पी पॉइंट लेते हैं एक्स में से, और वो जो पी पॉइंट है किसी ओपन सेट में बिलोंग करे। ठीक है, मैं उसे जी लिख रहा हूँ, पी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो उसके लिए ये कंडीशन होती है, जी माइनस पी इंटरसेक्शन ए डज नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, यानी कि वो जो पॉइंट हम एक्स में से लेंगे वो टा के जितने भी ओपन सेट हैं उनमें बिलोंग करे और उनके लिए ये कंडीशन फुलफिल करे सब के लिए, तो वो लिमिट पॉइंट होगा। उन लिमिट पॉइंट की कलेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ ए आ जाएगी। ठीक है, तो फर्दर चेक करेंगे, पहले ए को चेक करते हैं, ए किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में भी बिलोंग कर रहा है, ए में भी बिलोंग कर रहा है, ए बी में, ए सी डी में, ए बी सी डी में और ए बी में। तो मैं पहले ये वाला सेट ले लेता हूँ, इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें ए बिलोंग कर रहा है ए में, अब मैं जी की जगह ए लिखूंगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास फाई आ जाएगा, क्योंकि ए में से ए निकालेंगे तो फाई, फाई का फाई के साथ जब ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारा फाई आ जाएगा। अब बी, बी एक्स में बिलोंग कर रहा है, ए बी में बिलोंग कर रहा है, ए बी सी डी में और ए बी ई में, तो वो ये वाला सेट मैं उठा रहा हूँ। ये क्योंकि हमारा फाई आ गया तो हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही आप कह दें कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है। अब बी देखें, बी बिलोंग कर रहा है ए बी में, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। अब ए बी में से बी गया तो हमारे पास ए बचा, ए को, ए का जब बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमारा फाई आ जाएगा। फर्दर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, बी भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम सी देखेंगे, सी किस में बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है सी डी में, सॉरी ए सी डी में, ए बी सी डी में और एक्स में। मैं ए सी डी पहले ले रहा हूँ, ए सी डी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए सी डी
माइनस सी इंटरसेक्शन ए। अब इससे सी चला गया तो ए डी बचेगा, ए डी का जब बी से इंटरसेक्शन लिया तो वो हमारा आ जाएगा फाइव। तो इसका मतलब क्या है, सी भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब डी के लिए लेता हूँ, डी बिलोंग कर रहा है ए सी डी में, ए बी सी डी में, और एक्स में मैं ए सी डी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए सी डी इसे चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए सी डी माइनस डी इंटरसेक्शन है, ये भी फाइव आ जाएगा क्योंकि डी निकल जाएगा ए सी, ए सी का जब बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइव। अब ई को चेक करते हैं, ई किस में बिलोंग कर रहा है, ई बिलोंग कर रहा है ए बी में और एक्स में, पहले मैं ए बी ही ले रहा हूँ, तो ए बी ठीक है, तो ए बी माइनस ई इंटरसेक्शन ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी। ई निकल गया ए बी, ए बी का जब बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो बी आ गया। अब ई किस में बिलोंग कर रहा है, और एक्स में बिलोंग कर रहा है, ई बिलोंग कर रहा है एक्स में, तो एक्स लिख लें पहले, एक्स के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई माइनस ई इंटरसेक्शन है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी डी के साथ ई निकल गया, ए बी सी डी बचा, ए बी सी डी का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बी, ठीक है। तो ई और किसी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ओपन सेट से दोनों में हमारे पास डज नॉट इक्वल टू फाइव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ई हमारे पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जब ड्राइव सेट लिखेंगे तो कलेक्शन लेंगे, इसको सेट ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ई को, ठीक है। तो ड्राइव सेट हमारे पास क्या आ गया, ई, ठीक है। तो ये आपके हमने प्रूव क्या करना था, ड्राइव सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ एफ, तो ड्राइव सेट क्या आ रहा है, ई, वो सबसेट है एफ का, एफ में हमारे पास है बी सी डी और ई, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ए डैश के, और ये सबसेट है एफ का, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया है, ये वीडियो इधर ही कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट फंक्शन हो तो हम उसकी लैपलास को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोज़ बआसानी पहुँच सकें। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश की, अपनी वालदैन की इज़्ज़त कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।